हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई, लास्टली हमने किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमने एग्जांपल्स या उसके एप्लीकेशंस के ऊपर स्टॉक किया था बेटा लास्ट वीडियो। नेक्स्ट इस वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके एप्लीकेशंस करेंगे, और कुछ एक दो टॉपिक जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ स्फेरिकल सर्फेसिस क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनके अंदर साइन जो कन्वेंशन यूज हो रहा है वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या साइन कन्वेंशन यूज होता है, ताकि हम फर्दर जो रिफ्रेक्शन के अंदर डेरिवेशन हैं उनको हम इजीली फॉलो कर सकें, इजीली हम उनको ड्राइव कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल्स ऑफ द टीआईआर से। एग्जांपल्स ऑफ द टीआईआर वेरी सिंपल हैं, देखो सुनो और इनको समझते हैं। फर्स्टली है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली जो डायमंड है वो क्यों ब्राइट करता है, क्यों चमकता है, तो इसका सीधा सा एक नंबर में अगर आंसर पूछा जाए तो ड्यू टू टीआईआर। अब टीआईआर होता क्या है, कैसे होता है डायमंड के अंदर, तो वो कैसे चमकता है, देखो सुनो। जैसे मान लेते हैं हम डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भाई, सिंपल सा मान लेते हैं, ये लाइक दैट है, और इसमें से लाइट एंटर कर रही है कुछ ऐसे, ये एंट्री कर रही लाइट, ये यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो भाई मान लो ये एयर से आपका ग्लास में जा रही है रे, तो रिफ्रेक्शन होएगा, रिफ्रेक्शन आपका रेयर से लेंस पर जाता है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। यहाँ पे अब मैं वो केस मान लेता हूँ जो आपका टीआईआर को शो करता है, और वो केस क्या है, इफ इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इफ इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा भाई, टीआईआर होता है, डेफिनेटली होगा। तो अब मैं यहाँ पे जो ये इंसिडेंस एंगल है वो किससे ग्रेटर मान रहा हूँ, सी से, तो क्या होगा टीआईआर, टीआईआर होगा, तो रे वापिस उसी मीडियम में चली जाएगी जिससे आ रही थी। फर्दर फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई सी इज ग्रेटर देन सी, तो फिर से टीआईआर, और इस तरीके से भाई ये रे है जो डायमंड के अंदर क्या करती रहेगी, ट्रेवल करती रहेगी कुछ ऐसे, आई समझ में। तो इसी तरीके से जब ये रे डायमंड के अंदर ट्रेवल करेगी, तो इस रे की प्रेजेंस की वजह से, रे की प्रेजेंस की वजह से बेटा क्या होता है, डायमंड आपका ग्लो करता है, ब्राइट होता है। क्लियर होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे, लिखिए, मैं लिखवा भी देता हूँ, नोट्स अगर बना रखे हैं तो पहले ठीक है, नहीं बना रखे तो जो बच्चा रहता है वो लिख सकता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अ डायमंड then if it follow, कौन सी कंडीशन को फॉलो करे, if I is greater than critical angle, then the TIR of ray occur as shown in diagram, the critical angle for the diamond is 24.2 degree and refractive index for diamond is 2.42. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है भाई, और क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24.2, तो इसी की वजह से जो लाइट है वो आपकी घूमती रहती है, तो आप इस तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से वो क्या करेगा, ग्लो करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, तो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। भाई आप नोट कर सकते हो बेटा ये लाइन्स, सेकेंड है भाई मिराज फॉर्मेशन। जैसे कई बार आप देखते हैं मेनी ऑफ टाइम्स, मेनली गर्मियों के टाइम पे रोड के ऊपर पानी सा दिखाई देता है, या फिर किसी कोई व्हीकल आ रहा है रोड के ऊपर से, तो उस व्हीकल की जो इमेज है वो रोड के नीचे दिखाई देती है उस पानी की प्रेजेंस की वजह से, कुछ ऐसा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखो भाई मैं मिराज फॉर्मेशन कैसे होती है, मैं एक डायग्राम से बना देता हूँ। मान लो ये कोई अपने पास डेजर्ट प्लेस है, गर्मी का मतलब जगह है, कोई डेजर्ट प्लेस है,
इसके ऊपर कोई ये ट्री है, इसको हम ट्री मान लेते हैं भाई कोई भी, ठीक है ट्री मान लिया ये। अब जो लेयर्स ऑफ एयर होती हैं, लेयर्स ऑफ एयर ग्राउंड से जो सटी हुई है बिल्कुल नियर बाईपास ऑफ द ग्राउंड, वो क्या है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर दे वार्म अप एंड गोज अपवर्ड, सो द डेंसिटी ऑफ लोअर लेयर इज लो, उससे ऊपर की और ज्यादा डेंसिटी, उससे ऊपर की और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। बट ये भाई कुछ मीटर तक ही है, एक डेढ़ मीटर तक ही है, कहीं ये सोचो कि ऊपर तक भी ऐसा ही है ना, ऊपर तक नहीं है, फाइनाइट सी हाइट तक ये कुछ ऐसा काम होता है कि सबसे नीचे वाली लेयर है जो वो लो डेंस होती है, उससे ऊपर जाओगे हाई डेंस एंड हाई डेंस एंड मोर हाई डेंस, तो इस तरीके से होती है। तो एक रे ऑफ लाइट यहां से स्टार्ट हुई, मान लो ये रे ऑफ लाइट आई, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कौन से मीडियम से कौन से में जा रहा है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करोगे, फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब ये नॉर्मल यहां से है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो इंसिडेंस एंगल बढ़ता 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 किससे बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से। जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ये लाइट कुछ यहां पे मान लो ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को ये लाइट कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां पे तो इस तरीके से इसको ये क्या बनती है भैया अपनी, इस जो ऑब्जेक्ट है जो ये पेड़ है या कोई पोल लगा लो उसकी इमेज नीचे दिखाई देती है ग्राउंड के, इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन, क्या बोली जाती है भाई ये मिराज फॉर्मेशन, क्लियर होगी। तो मिराज फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई है, ये भी आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुई, लिख लीजिए फटाफट इसमें, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये गर्मियों में ही होता है मैक्सिमम या धूप के लिए हुई होता, द लोअर लेयर ऑफ एयर हैव हाई टेम्परेचर विच इज नियर टू द ग्राउंड एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट हैव लो डेंसिटी अपर लेयर हैव हाई डेंसिटी एंड सो ऑन व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स from upper layer to lower layer then we can say that it enters from denser medium to rarer medium denser medium to and bends towards normal sorry bends away from the normal bends away from normal जल्दी से लिखो भाई फिर मैं ऊपर वाला रस कर देता हूं bends away from normal Finally, incidence angle becomes greater than critical angle
फाइनल इंसिडेंस एंगल बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड TIR ऑफ कर्व. सो एनी मीन्स फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन due to total internal reflection. This is called mirage formation. और ये इस तरीके से लगेगा भाई, जैसे ये जो पेड़ है, ये पेड़ किसके किनारे पर खड़ा है? तालाब के किनारे पर खड़ा है. और ये तालाब में उसकी मतलब परछाई दिखाई दे रही है. तालाब में उसकी क्या दिखाई दे रही है? परछाई या इमेज आप कह सकते हैं. क्लियर होगी? तो दैट इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन. और मिराज फॉर्मेशन को बेटा आप करोगे ऐसे एक्सप्लेन. डन. बढ़िया. आगे नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपने सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे. उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स. और ऑप्टिकल फाइबर्स कुछ इस तरीके से होते हैं भाई. मान लो ये वायर टाइप का वायर होते हैं एक टाइप के. ये इनके ऊपर, ये ऊपर कॉर्ड होती है मेटल कॉर्ड, मेटल कॉर्ड होती है ये इस तरीके से. सिग्नल एंटर करता है इसमें कुछ ऐसे. सिग्नल का आपका यहां पे TIR होएगा, फिर ये यहां आएगा, फिर यहां से TIR होता हुआ यहां जा रहा है, यहां TIR होएगा, फिर यहां आएगा, TIR होता है यहां आता है, TIR होएगा और फिर यहां. ये स्टेशन वन था आपका और ये स्टेशन टू है. तो स्टेशन वन से स्टेशन टू सिग्नल्स कैरी करता है. बट ये सिग्नल जो कैरी कर रहा है, ये सिग्नल कौन से फिनोमेना के बेस पे कैरी कर रहा है? ये TIR के बेस पे कर रहा है बेटा. सिग्नल एंट्री किया, सिग्नल एंट्री कर रहा है तो सिग्नल जो वेव्स होती हैं, सिग्नल वेव्स का क्या हो रहा है यहाँ पे? TIR और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा या कोई और फिनोमेना होगा, जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन कह लें, तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में भी आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है. तो TIR में लॉस ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन वो क्या होता है? कम होता है. तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? मेनली वो सिग्नल्स को कैरी करते हैं वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. और वही वो किस बेस पे कैरी करते हैं? वो TIR के बेस पे कैरी करते हैं. क्लियर होगी? तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, इतनी लिख सकते हो वैसे आप. ऑप्टिकल फाइबर्स डिवाइस होती है विच इज यूज टू कैरी द सिग्नल फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द डायग्राम. क्लियर होगी? ऑप्टिकल फाइबर्स के यूजेज आप कर सकते हो भाई. टेलीफोनिकली यूज करते हैं हम इसको, किसी बिल्डिंग में मैसेज सिग्नल कैरी करने के लिए भी यूज करते हैं, अलार्म्स में भी यूज कर लेते हैं इसको. तो ये इसके यूजेज भी हैं, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं भाई हम स्फेरिकल सर्फेसिस के ऊपर. स्फेरिकल सर्फेसिस क्या होती है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस आना चाहिए बल्कि यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. तो वो सरफेस जो रिफ्रैक्शन करती हैं और कैसी शेप में होती हैं? स्फेरिकल शेप में होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. वो सरफेसेस जो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं, रिफ्रैक्शन करवाती हैं रेज का, और वो किस शेप में होती हैं? स्फेरिकल में होती हैं. जैसे पानी की लगा लें तो पानी तो आपका क्या होगा? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया. तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो टाइप के होते हैं भाई आपके. एक तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है सुनो. तो कॉन्वेक्स वो सरफेस होती है रिफ्रैक्टिंग जिसका इंटीरियर पोर्शन तो होता है डेंसर और आउटर में क्या होता है? रेयरर मीडियम. तो आप ये लिख लें, इन विच इंटीरियर पार्ट इज डेंस एज कंपेयर टू आउटर पार्ट. ये मैंने दिखा दी दिया भाई. अंदर वाला डेंसर होता है, बाहर वाला क्या होता है? रेयर. आप इसको स्फीयर बना सकते हो, एक स्फीयर बना करके भी सोच सकते हो कि क्या बोला है सर ने. स्फीयर के अंदर अगर डेंसर हो और बाहर रेयर हो तो वो कौन सा काम करेगा? कॉन्वेक्स का. अब एक ऐसा स्फीयर बना दू जिसके अंदर रेयर है और बाहर है डेंसर,
तो वो क्या किसका काम करेगा भाई, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, अब मैं कॉनकेव बना रहा हूं, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी ये हो जाती है भाई, जिसमें मैंने अभी बोला है कि इंटीरियर पोर्शन आपका क्या होता है, लोडेंस, और आउटर पार्ट आपका क्या होता है, ज्यादा डेंस। तो देखो अब इसको सफियर बना लो, सफियर बना लिया तो ये सफियर, सफियर के अंदर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, लोडेंस का मतलब रेयरर होना चाहिए और ये हाई डेंस होना चाहिए। क्लियर होगी? तो ये सरफेस आपकी क्या बनी, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देन ये सफियर तो मैं वैसे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, वैसे इतनी सरफेस आपकी क्या हो जाती है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक एग्जांपल भाई है पानी के अंदर बुलबुले जो हम बनाते हैं, तो वो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग, सॉरी कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और वाटर ड्रॉप है, जो वाटर ड्रॉप एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि वाटर ड्रॉप के अंदर पानी होता है, बाहर हवा होती है, और जो एयर बबल होता है उसके अंदर हवा होती है और बाहर उसके क्या होता है, पानी होता है। तो दोनों आपस में उल्टे हैं, उल्टे हैं तो दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव बन गई। आगे समझ में, तो ये मैंने एग्जांपल्स भी बताए कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस होती क्या है। अब ये इनमें भाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चलो मैं बता देता हूं एक एग्जांपल से। साइन कन्वेंशन ये कौन सी सरफेस बनाई है मैंने, ये आपके अगर यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे रेयर है तो कौन सी बन गई, ये कॉन्वेक्स, कौन सी बन गई है, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो एक्सिस जाता है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं ये बता नहीं रहा हूं, ये आप खुद पढ़ोगे बेटा, टेंथ क्लास में आप पढ़ चुके हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो क्या बन जाता है, होल बन जाता है। जो इसके सेंटर से बिल्कुल यहां से ड्रॉ करके हम एक पूरा सफियर बनाए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। ये पढ़ लेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, टेंथ क्लास में पढ़ चुके हो आप, और मेरी जो इलेवंथ क्लास है उस क्लास को तो मैं पहले बता भी चुका हूं। तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी आपका सेंटर हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और फोकस कहां पे होगा, जहां पे रेज मिलती है वहां पे कोई फोकस भी होता है जरूर देखेंगे। अब देखो मैं ये बता रहा हूं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का, ऑल द डिस्टेंसेस Measured from, very good, measured from pole point. सारी डिस्टेंस कहां से मापेंगे, पोल पॉइंट से। दूसरी बात साइन कन्वेंशन की, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पोल पॉइंट ऑल डिस्टेंसेस टेकन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेंगे भाई, क्योंकि मैं सारी रेज को इधर से इधर डायरेक्टेड करूंगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो रेज की अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, रेज की अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव, और रेज की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मापने जाएं तो वो वहां पे क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो उस बेस पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में याद करवा रहा हूं तो याद रह जाएगी आपको, टुवर्ड राइट हैंड साइड ऑल डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन बेटा आप फॉलो करोगे आगे जो फर्दर डेरिवेशन आएंगे, तो ये साइन कन्वेंशन आप नोट कर लो, ये जो कुछ डेफिनेशन हैं ये आप पढ़ सकते हो छोटी मोटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और अपर्चर क्या होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ना बेटा इस वीडियो में, और इस वीडियो में जितना करवाया वो पढ़ो। नेक्स्ट हम करेंगे डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन की कंडीशन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। तो इतना करते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।